नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुछी ओडिया फार्मिंग दुनिया को। आजिरो वीडियो रे चासी भाई माने जानिबे रेशम चासो किपरि करा जाय, कोन रहिछि एही चासो पई सठिक प्रणाली, आज हम आपनको कहिबाकु जाउछु। तबे ता पूर्वरु सब्सक्राइब करिनंतु ओडिया फार्मिंग दुनिया को एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु प्रेस करिनंतु। तबे बहु कालरु आम देश रे रेशम वस्त्र रो व्यवहार होइ आसुछि, अनेक ग्राम रे एहा कुटीर शिल्प भाबरे ग्रहण करा जायछि। चारि प्रकार रेशम देखा जाए, से सब है टसर रेशम, मलबेरी रेशम, मुगा रेशम एवं एंडी रेशम। टसर रेशम कीट असन, अर्जुन, शाल और जामु गछर पत्र खाई थाए। एंडी पक गब गछर पत्र को खाए। मलबेरी कीट तूत गछर पत्र खाए। मुगा जातीय रेशम कीट सुआलु और सोम पत्र खाई बंची थाए। तबे आसंतु जानिबा एही सबु प्रणाली गुड़िक गोटी गोटी करी, जहाद्वारा आपण एही रेशम चाष को खूब सहज प्रणाली में करिपरिबे। तबे प्रथम रहिछि टसर रेशम बा रेशम पोक। तबे अन्यान्य कीट परि रेशम पोक जीवन रे चारोटी अवस्था आसीथाय, से सबु हैला अंडा, सुक बा लार्वा, कोसा बा पुप्या एवं पूर्णांग कीट बा मथ। कीटर प्रकार अनुसार भिन्न भिन्न पद्धति अनुसरण करा जायथे। आसंतु आलोचना करिबा मलबेरी पोक विषय। तेबे मलबेरी पोक थर करे 300-350 टी अंडा देथाय। प्राय 10 दिन परे अंडा फुटी एथिरु सुक बाहर, एहारो 25-30 दिन परे सुक कोसा बांधे। एही समय मध्यरे सुकर चारिथर निमोचन होइथाय। प्रथम अवस्था रे सुक पालन को चक्की पोक पालन कहाजाए। परवर्ती अवस्था रे बड़ पोक पालन कहाजाए एवं अंडा फुटिबारु कोसा बांधिबा पर्यंत पोक स्वतंत्र पालन गृह रहिथाय। कीट पालन घर को सफा सुतरा रखा आवश्यक। घर भितर शतकड़ा दुई भाग फॉर्मलिन स्प्रे करी घर विशोधित करा जाए। तेबे फुटिबा पूर्वरु अंडा गुड़िक जत्नर सहित रखा दरकार। फुटिबार 48 घंटा पूर्वरु अंडा गुड़िक नील रंगर हो जाए। एही समय अंडा को एक धला कपड़े घोड़ाई दिया जाए। सकाळ 8-9 मध्यरे अंडा को नहीं आलुरे रखा जाए। एहा उपरु कपड़ा काढ़ी देले एक संगे अधिकांश अंडा फुटी जाए। तूत गछर पत्र को छोट छोट कर सुक उपर पका जाए। पत्र सहित सुक को नहीं चौड़ा डालार रखा हुए। डालार लंब 4 फुट और ओसार 3 फुट होता आवश्यक। सुक अवस्था मलबेरी पोक तूत पत्र खाई थाए। सुकर प्रथम अवस्था कण पत्र खावाक अपेक्षाकृत पाकल पत्र देवाक पत्र को छोट छोट कर काटिदे भल। बढ़ अवस्था नहीं गोटे डिंब पुंजर बाहरी सुक 30 ग्राम 300 ग्राम पत्र खाईपर। तेब अंडार बाहर पर सुकर आकार बढ़ी बढ़ी चले। यह प्राय 10,000 गुण ओजन बढ़ीपे, तेणु यह पालन करा डालर आकार धीरे धीरे बढ़ावाक हो। प्रतिदिन डाला को थरे दुईथर सफा करने आवश्यक। चक्की पोक पालन अधिक तापमात्रा और आर्द्रता दरकार होता है। शीत दिने निया रखी घर उत्ताप बढ़ावाक हुए। से हीपरी खरा दिने घर चारिपाखे ओदा अखा टांगीबाक हुए। एहा द्वारा घर उत्ताप कम रहिबो। तबे सुक प्राय 4 थर निमोचन होइथाय। एही अवस्था रे पोकर खोलपा छाड़े। एही समय रे पोक को हलचल करिबा उचित नुहे। मुक्त वायु चलाचल पई घर कबाट खोली देबा आवश्यक। निमोचन पर यथेष्ट कण पत्र खाइबाक देबा उचित। 2 थर निमोचन पर सुक को चक्की पालन घर स्थानांतरण करा जाए। सकाळ बा संध्या समय रे पोक मानकु स्थानांतर करिबा उचित। तेबे सुकर परवर्ती अवस्था को बड़ पोक कुआ जाए। एही अवस्था रे चासी माने पोक पाली थांती। एही पोक कम तापमात्रा और कम आर्द्रता रे बढ़ी पारे। पोक एही समय रे मोट खाद्यर शतकड़ा 90-95 भाग खाइते। कम जलीय अंश और अधिक तंतु थिबा पत्र खाइबा को दिया जाए। दिन को 4-5 थर पत्र दिया जाए। 50 डिंबपुंजर निग्रत सुक 9-18 वर्ग मीटर आकार पोक सज्जा दरकार हुए। एथिपाई 6-7 डाला आवश्यक होता है। तेरे पोक सज्जा घर को सफा सुतरा रखा दरकार। वायुमंडल तापमात्रा 23-26 डिग्री सेलसीयस मध्य सुक भल बढ़ी थाए। आर्द्रता शतकड़ा 70-75 भाग रहा उचित। बड़ पोक 2 थर निमोचन होता है। यही समय आसे पोक खाइबा बंद कर दिए, निश्चल हो पड़ रहे। यापर 7-8 दिन पर्यंत पोक को अधिक खाइबाक दि जाए। सुक गुड़िक संपूर्ण बड़ होगले हलदिया रंगर देखा जाए। यही समय सुक को नहीं कोष चंद्रिकार रखा जाए। प्रति वर्ग फुट चंद्रिकार 40-50 पोक छड़ा जाए। अधिक पोक छाड़े जाँला कोसा होबार आशंका रही। एही समय सुक कोसा बांधि थाए। समय अधिक आर्द्रता हेले पोक भल कोसा बांधिपारे ना।
4-5 दिन परे कोसा को चंद्रिकारु बाहर करा जाए। जाँला कोसा पतला तथा फंपा कोसा को अलग करा जाए। भल कोसारु सूता को बाहर करा जाए। तबे मलबेरी कीट पालन बेले केतक स्वतंत्र जत्न नेबाक हेबो। शुक्र चतुर्थरु पनिमोचन परे कोण पत्र आद्यों देबे नाही। एहा हेले पोक देहरे अधिक जळय अंश रहे, फळरे सढ़ा रोग होइथे। सढ़ीथिबा बा रोगाक्रांत पत्र को खाइबा को देबा अनुचित अटे। ओदा पत्र खाइबा देबा ठीक नुहे। पोक पालन गृह डाला तथा अन्यान्य उपकरण को सफा सुतरा रखिबा उचित। पोक मानंकु स्थानांतर कहिबा, सेमानंकु खाद्य देबा तथा सज्जा सफा करिबा पूर्वरु हातकु भल भाबरे धोई सफा करिबा आवश्यक। एहि सबकु ध्यान रखि आपण मलबेरी पोक चाष करि परिबे भल रेशम पाइ। आसन्तु एबे आलोचना करिबा एंडी पोक संपर्करे। तबे एंडी पोक को वर्षक मध्यरे 4-6 थर पालन करा जायथे। एहार अंडा गुडीक छोटो ओ धळा। 7-20 दिन मध्यरे अंडा फुटिथे। शीत दिनरे अंडा फुटिबारे टिके विलंब होइथे। सुक को प्राथमिक अवस्था रे कोण पत्र काटी करी खाइबा को दिया जाए। पोक बड़ हेला परे गोटा पत्र खाइथे। सुक 4 निज देहरु खोळपा को छड़ाइथे। सुक अवस्था 18-25 दिन पर्यंत रहे। पूर्ण बुद्धि हेले सुकर लंब प्राय 8-9 सेंटीमीटर होइथे। सुकटी पूर्णांग अवस्था प्राप्त हेला परे ही कोसा को बांधे। एहि समय रे पोक तरल मल त्याग करे ओ निस्तेज होइ रहे। पोक को नै पृथक डालर रखिबा को पड़े। चंद्रिका देले सुविधा रे कोसा होइथे। डालारे सुखिला आंब पत्र कुटा ओ चिरा कागज रखी ता उपरे पोक को छोड़ा जाए। पोक माने एथिरे कोसा बांधंती। 5-7 दिन परे कोसा बाहर करा जाए। परे एथिरु सूता बाहरि थाए। तबे आसंतु आलोचना करिबा टसर पोकर लालन पालन संपर्क रे। तबे टसर पोक गछ उपरे बढ़ी थाए। एहि पोक को असन अर्जुन बा साल गछ रे छाड़ी दिया जाए। पराग संगम परे माई पोक को बाउंश टोकरी रखा जाए। गोटे पोक 300-350 अंडा देथे। प्राय 8 दिन परे अंडार सुक बाहरे। सुक को नै गछ उपरे छाड़ी दिया जाए। 4 निमोचन हेबा परे सुक पूर्ण वृद्धि प्राप्त होइथाए। परे एहा पाटी लाळ निर्गत होइथाए। एहि लाळ साहाज्यरे पोक निजर चारिपटे कोसा तयारी करे। एहि कार्य 2-3 दिन रे सरि जाइथाए। गोटे कोसारे प्राय 800-1200 मीटर लंबर सूता थाए। एहा परे कोसा को गछरु बाहर को अणा जाए। गछरे पोक थिबा बेले सतर्क रहिबा उचित। चिल कुआ बा अन्यन्य पक्षी पोक मानंकु खाइ दियंती। तेणु जत्न न नेले पक्षी मानंकु आक्रमण जोगु आपणकर क्षति होइपारे। तेबे टसर कोसा गणी करी बिक्री करा जाए। किंतु एंडी पोक ओ मलबेरी पोकर कोसा को ओजन करी बिक्री करा जाए। मुरा पोक को टसर पोक परि गछ उपरे पालन करा जाए। रेशम पोकर अनेक शत्रु अछन्ति। पिंपुड़ी चंदा झिटिपिटी असरपा उषा गोधी कुकुड़ा घरचटिया बणी काऊ आदि एही पोक मानंकु खाई दियंति। तेणु एमानंक दाउरु रक्षा पाइबा पई किछि व्यवस्था करबा आवश्यक, जहाँ फलरे आपणकु भल रेशमटी मिलि पारे। तबे पेब्रिन फ्लाचेरी ग्रासेरी ओ मस्कार्डिन रोग द्वारा रेशम पोक आक्रांत हुवंति। एहा द्वारा पोक माने मृत्यु मुखरे पडंति। घरकु फॉर्मालिन द्वारा विशोधन कले रोगर आशंका कमि जाए। आक्रांत पोक मानंकु सुस्थ पोक मानंक ठारु दूरै रखिले रोग संक्रमण तबे आसंतु जानिबा कोसारु सूता बाहर करिबार पद्धति। रेशम कोसारु सूता बाहर करिबा बेस गुरुत्वपूर्ण। साधारणत 2 उपाय रे कोसा बाहर करा जायथे। अक्षुण्ण कोसारु रिलिंग पद्धति रे सूता बाहर करा जाय। कोसा को कणा करी पोक बाहर करि जायथिले स्पिनिंग पद्धति रे सूता बाहर करा जाय। रिलिंग पद्धति रे सूता बाहर करिबा पई पोक बाहरिबा पूर्वरु कोसा को संग्रह करा जाय। साधारणत कोसा तयारी हेबार 8-10 दिन परे सब को निया जाय। एहाकु गरम पानी रे पकाइले भितरे थिबा पोक मरि जाय। केतक क्षेत्र रे बांफ देई बा खरारे सुखाई पोक को मारि दिया जाय। बांफ देबा परे कोसा गुड़िक सुखाई दिया जाए। कोसा गुड़िक सोढ़ा मिसा पानी रे 10-12 घंटा बतुरा जाए। यह पुणी केते घंटा पाई बांफ दिया जाए। तबे कोसार ऊपर खोलपा को सावधानतार सहित बाहर करा जाए। यहाँ परे सूतार खियो को रिलिंग मेसीन रे लगाई सूता को बाहर करा जाए। केतक कोसार पोक बाहरी जाए, तेणु यार सूता कटि जाए। स्पिनिंग कर कोसार सूता बाहर करा हुए। प्रथमे कोसा को केते घंटा सोढ़ा पानी रे पका जाए। यहाँ परे कोसा को सुखाई दे स्पिनिंग मेसीन द्वारा एथिरु सूता को बाहर करा जाए। तबे इथला रेशम चासर प्रणाली एवं पद्धति संपर्क रे। आगो कोई बले कृषि भित्तिक नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई चाहुतिले सब्सक्राइब करनी। ओडिया फार्मिंग दुनिया को वीडियो को लाइक शेयर करूँ। मुझे रही नमस्कार।